आशीष भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सीमेंट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट विद इन मिनट दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO का जब से रिजल्ट आया है तब से वो विवादों में घिरा हुआ है। उसी दिन से हाई कट ऑफ के लेकर और रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिस दिन से रिजल्ट आया उसी दिन सवाल उठ रहा है। यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया, कहाँ कम नंबर वालों का हुआ चयन, RO ARO के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल, क्या कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो में समझेंगे। एक से दो मिनट का वीडियो रहेगा। देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व कंप्यूटर असिस्टेंट पदों की परीक्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। रविवार को आज़ाद पार्क में पहुंचे अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक वालों का चयन हो गया, जबकि उसी दिन वही बेंच में परीक्षा देकर अधिक अंक वाले बाहर हो गए। यानी सेम शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। परिणाम में सभी अभ्यर्थियों को अंक प्रदर्शित नहीं किए हैं। भर्ती के विज्ञापन में कहा गया है कि सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित होंगे, लेकिन कुछ असफल अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित किए गए हैं। यदि ऐसा ही है तो सभी के अंक प्रदर्शित होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था उनका चयन नहीं हुआ है, जबकि उनमें कम अंक वालों अभ्यर्थियों का जिसने स्वयं टाइपिंग जमा किया उनका चयन हो गया है। वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों का कटअप भी जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार को पत्र लिख के परिणाम में विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा है और संशोधित परिणाम निकालने के लिए कहा है। देखते हैं जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा इस भर्ती को लेकर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट इसके माध्यम से आती है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।